सुरीनाम देश में एक हार्थ मेसी हुआ है। हॉलैंड के कुछ डॉक्टर जो है सुरीनाम देश में आए हैं बच्चों का ये ऑपरेशन करने के वास्ते। 15 बच्चे जिनको एक हार्ट आंदोलन था, इन लोगों का ऑपरेशन अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो में हुआ है एक टीम के जरिए जो लेट्स यूनिवर्सिटेयर मेडिस सेंट्रम का है। ये भी 15 द सक्सेसफुल हार्ट केंद्र हार्ट शिरोही मेसी है। केंद्र हार्ट शिरोही मेसी था जो नवंबर के 6 तारीख से लेकर नवंबर के 20 तारीख को हुआ है अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो में। ये जो मेसी था ये किंदर हार्ट शुरख देव कोल बैरखन के निर्देशन में था। इसमें आगे में एक किंदर कार्डियोलोग था, किंदर अनास्तेसियो लोहन, किंदर इंटेंसिफिस्ट, ऑपरेशन असिस्टेंटन, एक परफ्यूशनिस्ट और कुछ इसे फरप्लेखकुंडन मौजूद थे। लोग चाहते हैं कि सुरीनाम देश में सालाना एक केंद्र हार्ट मेसी किया जाए। और कोविड-19 पांडेमिक के वजह से बता दें आपको कि पिछले साल ऐसा नहीं हो पाए है, तो इस साल ये ज़रूर किया गया है क्योंकि बहुत ज़रूरी था। कुछ बच्चे जिनको सख्त ज़रूरी था ये हार्ट ऑपरेशन करने को, क्योंकि पिछले साल हार्ट मेसी नहीं हुआ था बच्चों के लिए, तो इन लोगों को कोलंबिया भेजना था वहाँ ऑपरेशन के वास्ते। ये मेसी जो है ये बहुत ज़रूरी था, ये डायरेक्सी अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो का भी बताए है। चाहते हैं कि अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो के डायरेक्सी कहते हैं लोग चाहते हैं कि 2022 आने वाले साल 2022 में दो केंद्र हार्ट शिरोही से मेसिस किया जाए, क्योंकि जो अख्तर स्थान थे इसे कम करना बहुत ज़रूरी है। पुराना ओपरहोफ त्रियोस का आसोंगो अलालापारू का देहांत एतवार के रात को हो गया है और ये भी रीजनल सिकन हाउस वानिका में। ये कोविड-19 के वजह से इनका देहांत हुआ है और इनका उम्र 79 साल 79 यार का था। ये भी आपको बता दें कि ये सितंबर पिछले साल से ये अपना जो बागडोर है ये अपने क्लाइन जोन के हवाले कर चुके थे। ये ऑफिशियल फॉर्मेल अब ग्रांड मांग नहीं थे। देसई जो है डिस्ट्रिक्ट कमिसारस मेरुलू सापा जो है कुरुनी का, यहाँ का जनता खासतौर पर इंगी लोग इन हेमसन जो है जो सर्द लखबीत में रहते हैं, इन लोगों को अपना शोक संवेदना प्रस्तुत किए हैं। एक एडवोकेट तुख्त कॉलेज ठहराया जाएगा और इसके लिए चुनाव हो चुका है। संद्रा पुनवासी रघुबीर और नायला फंदे चुने गए हैं आज लेदन ये एडवोकेट तुख्त कॉलेज का। ये फरकी सिंह जो है सनीचर को था और सुरीनाम से और दफन एडवोकेट के जरिए ये फरकी सिंह हुआ है। जॉन वाउटर और हारिश मनोरथ जो है एंकलर कैंडिडेट स्टेलिंग पर चुने गए हैं आज प्लाट्स फॉर फंगन लेदन। जो निप्त और उत्तरा बिहारी अपने आप को भी कैंडिडेट ठहराए थे लेकिन चुने नहीं गए हैं। ये फरकी सिंह में 104 वकील 104 एडवोकेट अपना वोट पेश किए हैं। लेदन ये तुख्त कॉलेज का 4 साल के लिए चुना जाता है। ये फॉर्मेल बनूमिंग ये तुख्त कॉलेज का सरकार के जरिए होना चाहिए। फरकी सिंह एडवोकेट का जो सुरीनाम से और दफन एडवोकेट के जरिए हुआ है, ये सब कहे हैं ये फरकी सिंह पर कि वकील जो है इन लोगों पर अब कदम उठाया जाएगा। अगर क्लख्तन रहेगा, शिकायत पेश आएगा वकील का कि ये सब कोई गलत काम किए हैं, तो इन लोगों को भी सजा सुनाया जा सकते हैं, फनस इन लोगों को भी सुनने को मिलेगा। इस कॉलेज में बैठक लेते हैं रेक्टर्स, ये प्लान फोर्सेदर और प्लांस फिर फंगन फोर्सेदर रहेंगे ये तुख्त कॉलेज का। इन लोगों का फोर्द्रा ऑफ फन यूसिटी के जरिए होगा। फॉर्मेल बनूमिंग जो है मिनिस्टर फन यूसिटी एंड पोलिटी के जरिए होगा और ये लेदन जो है तुख्त कॉलेज का, इन लोगों का इंस्टालासी प्रेसिडेंट संतोखी के जरिए होगा। उसके बाद लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये तुख्त कॉलेज है, वकील जो गलत काम करते हैं आप ये तुख्त कॉलेज के पास जा सकते हैं शिकायत पेश करने को, तब एक खोजबीन होगा और हो सकता है कि इन वकीलों को भी सजा सुनाया जाएगा। बीफे नवंबर के 25 तारीख सुरीनाम देश अपना 46वीं सेशन फेयर तख्त और अफंकल खेज तख मनाए है। आज़ादी का दिन सिर्फ दिन सी मनाया गया है सुरीनाम देश में।
एक veiligheidszone लोग तैयार किए थे, ये है Onafhankelijkheidsplein और जहाँ प्रेसिडेंशियल पैलेस है इसी के आसपास में एक veiligheidszone था। ये 24 तारीख के शाम 6 बजे से कुछ रास्ते बंद थे और ये 25 तारीख नवंबर दिन में 2 बजे तक थे। सिर्फ जिन लोगों को इजाज़त था वहाँ पर आप दिखा सकते थे कि आपके पास कोई कागजात है कि आपको इजाज़त है इस veiligheidszone में अंदर जा सकते थे। ये सिर्फ डेंसी का दिन नवंबर के 25 तारीख पराद और देफिले हुआ है। प्रेसिडेंट संतोखी सबसे पहले त्रोपनमाग का जो इंस्पेक्सी है किया है, उसके बाद देफिले और पराद था और उसके बाद खनोदहद जिनको दावत यानी निमंत्रण मिला था इन लोगों के साथ प्रेसिडेंट एक छोटा सा रिसेप्शन दिए है पैलेस के अख्तर तंग में। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे यसासन फेयर तहियार रेफिडेंसी के मौके पर। और ये भी आपको बता दें कि क्योंकि वहाँ पर लोग मौजूद नहीं हो सकते थे तो ये प्रोग्राम जो है लाइव आतिफे एस्तीफियस और सीडीएस के कनाल पर दिखाया जाता था। और ये जो रेफिडेंसी के मौके पर जो तमाम प्रोग्राम हुआ है तो यहाँ पर जो इस सोने में veiligheidszone में जो दुकानें इत्यादि थे ये सब भी बंद थे। 2 बजे के बाद इन लोगों को इजाज़त था फिर दरवाज़ा खोलने को। 25 नवंबर एक नेशनल फ्रेयदाग सुरीनाम देश में रहता है लेकिन नेशनल फ्रेयदाग पर जैसे पेशतर होता था लॉकडाउन नहीं था, टोटल लॉकडाउन नहीं था। ये सरकार जो है मेरे से रिफन फॉल्स के सोम थे जो है ऐलान किए है कि अब से सभी नेशनल फ्रेयदागन पर लोग गुफ्तगु करेंगे, इसके बारे में लोग बात करेंगे और बातचीत करने के बाद तय होगा कि उस दिन एक टोटल लॉकडाउन रहेगा या नहीं। तो 25 तारीख नवंबर के वास्ते टोटल लॉकडाउन नहीं था। एक क्लर्स चोरी हुआ है, एक रोफ ओवरफॉल जो हुआ है एक मेबल बदरेव के पास इंदिरा गांधी वैग में और लोग क्लर्स जो है उठाकर वहां से ले गए हैं। 6 खवाबंद मस्कर दमानन 6 आदमी मस्कर पहरे हुए थे और इन लोगों के पास बंदूक इत्यादि हथियार थे, ये सब गए हैं। ये मेबल बदरेव जो इंदिरा गांधी वैग में है वहाँ पर 2 बवाकर्स मौजूद था, इन लोगों पर हमला किए है, इन लोगों को बांध दिए है, केवाड़ी तोर कर लोग अंदर गए है और वहाँ से क्लर्स लेकर भाग गए है। ये क्लर्स में 105,000 SRD था और 4,500 $ था। पुलिस इसके तलाशी कर रहे है, जो ये तलाश करना इन लोग गुंडों का तलाश करना ये थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि कैमरा सिस्टम लोग तोड़ दिए थे और पुलिस ये सोच रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा ही एक चोरी हुआ था, मुमकिन है यही लोग किए थे क्योंकि इसी तरीका लोग अपनाए थे मकान में अंदर जाने के लिए। पुलिस इसमें खोजबीन कर रहा है, अंदरशुक कर रहा है। बेशतर ये स्क्रोत बदरेव जो था ऑपकोपन स्क्रोत जो लोग इस बदरेव में यहाँ पर चोरी किए थे और इस बार एक मेबल बदरेव में लोग डाका डाले हैं। बुध के रात को शुलसतनी हाफन पर एक कंटेनर जिसमें लकड़ियाँ थे और एक्सपोर्ट के लिए यह तैयार था, मतलब अब लोग इसको एक्सपोर्ट के लिए भेजने वाले थे, तो इसमें खोजबीन के बाद पता चला है कि द्रुख्स छिपाया गया है। कुछ 100 किलो द्रुख्स के बारे में बातचीत हो रहा है। ये कंटेनर्स तैयार थे और लकड़ी के बीच में यह द्रुख्स छुपाया गया था। अभी तक पुलिस ये खोजबीन कर रहा है, कुछ और कंटेनर्स पर तलाशी लेना था तो पुलिस खोजबीन कर रहा है कि और कंटेनर्स में द्रुख्स था या नहीं। अभी तक नहीं पता है कितना द्रुख्स था, वजन नहीं पता है और किसका है ये द्रुख्स, अभी तक ये जानकारी भी नहीं है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी रेफिडेंसी फीरिंग के बाद शाम के समय दुबई के ओर निकले हैं, दुबई चला गया है वहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने को। ये एक्सपो इस वक्त चल रहा है दुबई में और इसमें सुरीनाम देश भी हिस्सा लेंगे। प्रेसिडेंट के साथ कुछ रखेरिंग के लोग साथ में जा रहे हैं और भी कुछ ओंदर नेमर्स जो है प्रेसिडेंट के साथ भी सफ़र करने वाले या सफ़र पर गए हैं। ये मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन बैतलान से साकन विवेस का जानकारी दिए है। मिनिस्टर रामदीन कहते हैं कि ये जो ओंदर नेमर्स है ये सब खुद अपना खर्चा उठाते हैं, स्टार्स कॉस्टन पर नहीं लेकिन खुद ये सब अपना खर्चा उठाते हैं जो लोग प्रेसिडेंट के दिल हादसी में ओंदर नेमर्स गए हैं। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार इन लोगों के लिए पैसा भरते हैं। वहाँ जो दुबई एक्सपो है वहाँ पर सुरीनाम देश को अपने आप को इस देश को पेश करना चाहिए, पॉजिटिव तौर पर
पेश करना चाहिए और वहाँ पर बातचीत करना चाहिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ। इन्वेस्टर्स को लोगों को तैयार पाना चाहिए इन लोगों से बातचीत करने के बाद सूरीनाम देश में आकर इन्वेस्टेट करने के वास्ते। तो सूरीनाम देश को प्रमोट करना ये बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्सपो है दुबई में होने वाले है, इससे सूरीनाम देश में तरक्की भी आएगा, बढ़ती आएगा। बहुत खुशी की बात है कि सूरीनाम देश ये वर्ल्ड एक्सपो दुबई में हिस्सा ले रहे हैं और बिलाटरल रिलेशंस के वास्ते भी काफ़ी उमदा है सूरीनाम देश का। फरीनहद अरब से इमीरातन के साथ बातचीत करने के बाद उम्मीद है कि बहुत से ऐसे ओवर इनकम्स एक साथ मिलकर काम करने का सूरीनाम देश और फरीनहद अरब से इमीरातन के दरमियान दस्तखत होगा। एक स्टोथ ग्रुप जो है कॉरप्स पॉलिसी सूरीनाम का, ये सब वीकेंड 9-3 से लेकर 22 नवंबर तक कुछ फरकेश कंट्रोल्स किए हैं और ये फरकेश कंट्रोल्स पर बहुत से ऐसे लोगों को लोग रोके हैं। गाड़ी के जो कागजात इन लोगों के पास नहीं थे, ओवर कैश ओवर ट्रेडिंग के वास्ते लोगों को बूत दिया गया है। वैसे लॉकडाउन के समय जो लोग सड़क पर रहते हैं और आपके डिस्पेंसरी नहीं है, इजाज़त नहीं है सड़क पर आने के लिए, तो इन लोगों को भी बूटा मिलता है, दाड़ भरना पड़ता है। कई ऐसे जगह पर पुलिस गई है तो वहाँ पर जश्न हो रहा था, ये रोका गया है और भी लोगों को वहाँ से हटाकर और जिसका जिम्मेवारी था, जो फरंतवोड़ था, उनको एक बूट मिला है। अभी तक ऐसा होता है कि लोग बात नहीं सुनते हैं, सरकार का रेहल्स पर गौर नहीं करते हैं, जश्न करना मना है तो भी लोग जोर तोर से जश्न करते हैं और इसके लिए लोगों को बूट भरना पड़ता है। सूरीनाम देश का प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारतीय सम्मान दिया गया है। एक ऊंचा अंडरस्टैंडिंग मिला है प्रेसिडेंट संतोखी को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2021 इनको दिया गया है। 2003 से लोग जो अपना मदद देते हैं, अपना मेहनत करते हैं और देश के फ़ायदे के लिए, अपना देश के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, डियास्पोरा में रहते हैं, मतलब इंडिया में नहीं लेकिन इंडिया से बाहर, तो भारत देश का सरकार जो है ऐसे लोगों को चुन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इन लोगों को ये सम्मान देने को। प्रेसिडेंट संतोखी को ये अवार्ड मिला है। एक ख़ास जश्न जो किया गया था महाराजा पैलेस में, तो यहाँ पर यह सम्मान इनको दिया गया है। प्रेसिडेंट के अलावा यहाँ पर फर्स्ट लेडी मौजूद था, वाइस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेग और राजपाल मिनिस्टर्स का टीम जो है, मिनिस्टर्स वहां पर भी मौजूद थे। एक लाश मिला है मंगल के रात को। पुलिस को खबर आई है कि एक मकान में एक लाश था। पता चला है खोजबीन करने के बाद कि यह लाश 78 साल अख्तन सैफ इंतखियार का प्रियावर काका था। एक मकान कमतावेख लातूर पर यह लाश मिला है और देहांत कैसे हुआ है अभी तक नहीं पता है, इस बारे में पुलिस खोजबीन कर रहा है। सूरीनाम से लुख्तफार्ट माचखापे SLM आपको पता है कई ऐसे सालों से फाइनेंशियल मुश्किलात में है। ये इसी सिलसिले में एक हेयर स्टाइल प्लान पेश हुआ है। ये बद्रेव जो है इसको इस दलदल से, इस मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए तो ये फैसला लिया गया है। इंटरनेशनल कंटोरन जो है सानियर करने को, वहाँ के जो मजदूर है इनको यहाँ से निकालने को, और हो सकता है इंटरनेशनल कंटोरन जो है भी बंद किया जाएगा। CEO इस बद्रेव का पॉल दहान जो है ये कहते हैं कि रे ऑर्गेनाइजेशन बाउतलांसे फेस्टिंगन पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा होते हैं। ये ज़रूर अफसोस को करते हैं कि ऐसा होता है, लोगों को घर भेजा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अगर ये बद्रेव जो है SLM को लोग बचाना चाहते हैं। SLM शुरुआत किए है हॉलैंड से, बाउतलांसे फेस्टिंग हॉलैंड पर जो है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है, काफ़ी खर्चा होता है, तो SLM शुरुआत किए हैं ये हॉलैंड में। यहाँ पर लगभग 15 मजदूर जो है काम करते हैं, लेकिन इन लोगों को यूं ही लोग नहीं भेजते हैं, इन लोगों से बातचीत करके कुछ फैसिलिटेशन इन लोगों को भी दिया जाएगा। बद्रेव जो है SLM ये काफ़ी मुश्किलात में है और ये हेयर स्टाइल प्लान ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे पॉल दहान ने कहा है। और ये जो आगे ज़िंदगी है इन मजदूरों का जिनको नौकरी से निकाला जाता है, इस पर भी ख़ास गौर किया जाएगा, SLM ने कहा है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।
क्लोव टीवी पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है। देखिए इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का चैनल से, बॉलीवुड का तमाम चैनल से, जिस तरह से बी फॉर यू है, सोनी एशिया टीवी, यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है। पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स, जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा, और सूरीनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्लोव टीवी पर। इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का हो, क्लोव टीवी आपके लिए है। तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड, सूरीनाम, यूके, इंडिया और पाकिस्तान का, एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्लोव टीवी पर मिलता है। कॉन्टेक्ट कीजिए, तारीख नंबर है 0081 6 85 89 08 19। हम दोहरा रहे हैं 06 85 89 08 19, तार की नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। क्लोव टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए।